गणेश चतुर्थी का उत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत गणेश चतुर्थी से होकर अनंत चतुर्दशी तक चलती है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान गणेश जी का वाहन छोटा सा चूहा ही क्यों है, तो आपको इसके पीछे की कहानी क्या है इस बारे में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो इसके पीछे कई कहानी मशहूर है। दरअसल पुराणों में कहा गया है कि देवराज इंद्र के दरबार में क्रोंच नामक गंधर्व था। वह अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली करने में व्यस्त था और इसी दौरान उसने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया था, जिससे वह क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोंच को चूहा बन जाने का श्राप दिया था। चूहा बनते ही वे सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उस मूषक ने भयंकर उत्पात मचाया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अनाज खा गया और वाटिका को बुरी तरह से उजाड़कर रख दिया। यहाँ तक कि ऋषियों के सारे वस्त्र और ग्रंथ भी उसने कुतर डाले थे। इस सब से नाराज होकर पराशर ऋषि भगवान श्री गणेश के पास गए। उस समय गणेश जी भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने फिर उस मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक जा पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पाश में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो गया था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, उसने बिना पल गंवाए गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। तभी से भगवान गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना दिया। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाग्राम। थैंक यू।